हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ AKG टेरेस चैम्पियन का रिव्यू, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि एक्चुअली ये चार तार का मांझा है, जो फोर कॉर्ड मांझा टेरेस के लिए होता है। इसको सिर्फ छत से ही लड़ा जा सकता है, तो ये सिर्फ छत से लड़ाने वाला मांझा है। तो और मैं इसको कानपुर जाकर शावेश भाई AKG के जो ओनर हैं उनकी शॉप से ही मैं लेकर आया था इसको। दोस्तों, मैं बेसिकली उन्नाव का रहने वाला हूँ, जो कि कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है। तो मेरे शहर से, उन्नाव से काफ़ी दूर नहीं है कानपुर, 20 किलोमीटर, करीब 20 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैं कुछ काम से गया हुआ था, तो वहीं से मैं ये मांझा परचेज़ करके शावेश भाई से लेके आया था। तो आइए शुरू करते हैं इस मांझे का रिव्यू, खोलते हैं इसका रैपर और आपको इसका रिव्यू बताते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस AKG के रैपर है ये अमेजिंग काइट गैलरी कानपुर टेरेस चैम्पियन। ये शावेज भाई का नंबर दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये मांझे का जो रैपर होता है उसके नीचे भी एक कागज़ में लगाना प्रेफर करता हूँ, जिससे मांझा आपका काफ़ी सेफ रहता है और जल्दी उसमें नमी नहीं पकड़ता है। ऐसे एक कागज़ मैंने लगाया हुआ था। इस तरह से आपको न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो, मतलब तो इस तरह से मांझा जो है आपका ख़राब नहीं होता है और नमी जल्दी पकड़ता नहीं है। आइए इसको साइड में करते हैं और आपको उस मांझे को दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ मांझा मैंने चरखी से निकाल लिया है। मांझे में काफ़ी अच्छे छल्ले भी बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। सबसे खास बात मांझे की ये है कि ये मांझा बहुत ही ज़्यादा बारीक है, में धार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसमें स्मूथनेस भी है। साथ साथ में धार तो है ही है, धार के साथ साथ स्मूथनेस भी दी हुई है। इससे आप इस मांझे को सिर्फ खेस से ही नहीं, फंसा के भी लड़ा सकते हो। मैंने इससे फंसा के बहुत पेज लड़ाए हैं और 90% ये मांझा फंस के नहीं कटा, फंस के मैंने इस मांझे से 90% काटा है पतंग। बाकी आप जैसा जानते हैं कि ये चार तार का मांझा है, जो सिर्फ टेरिस के लिए यूज़ होता है, छतों के लिए। इसको आप छत पे आराम से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सस्ता पड़ता है ये मांझा। छतों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता मांझा है ये। इससे आप मंझोली, अद्धी, पौनी पौनी भी उड़ा सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक पौनी फिलहाल इससे नहीं उड़ाई है, अद्धी और मंझोली ही उड़ाई है। तो अद्धी या मंझोली ही आप उड़ाएं। मंझोली अगर अच्छी मंझोली है आपकी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है मंझोली के साथ में ये मांझा। सबसे अच्छी बात इस मांझे में ये है कि जब मैं इसको, जब भी मैंने लड़ाया है मांझा लगा के, मैंने पतंग लड़ाई है, लड़ाने के बाद भी मैं पतंग वापस लेके आया हूँ, साथ साथ 8-8 पेज काटने के बाद भी, तो इस मांझे में वाइट स्पॉट मुझे नहीं दिखे, बिल्कुल भी नहीं दिखे। मतलब एक बार के यूज़ करे हुए मांझे को मैंने दो दो तीन तीन बार यूज़ किया हुआ है, तो उसमें जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आपके सामने मैं चेक करके दिखा भी सकता हूँ। कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने इसको ले लिया है। तो मैंने काफी अच्छे से इसको मसल दिया है। देख सकते हैं आप लोग, मांझे में बिल्कुल भी कलर नहीं उतरा है, जितना मैंने मसला हुआ था इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं उतरा है इस मांझे में। मांझे की क्वालिटी आप ऐसे पता कर सकते हैं। बाकी ये मांझा लड़ाने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खेच में तो खैर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बाकी ढील में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ढील से भी मैंने लड़ाया है तो फंसा के बहुत अच्छे पेज लगते हैं इसमें,
90% आप बंदे की पतंग, सामने वाले बंदे की पतंग काट दो, क्योंकि ये काफ़ी महीन मांझा है, तो महीन मांझा फंसाने में काफ़ी अच्छा होता है। तो इस मांझे के अगर प्राइस की बात करें तो ये मांझा मैं 6 रील में लाया था। 6 रील में ये मांझा मुझे 650 रुपये का पड़ा था, करीब 100 रुपये रील के हिसाब से ये मांझा आपको पड़ता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता मांझा है। बाकी 4 तार के मांझे की जगह आप अगर और अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हो छत के लिए, तो आप 8400 पर जा सकते हो। 8400 मांझे का भी मैंने राशिद भाई के मांझे का रिव्यू का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरा दूसरा वीडियो, पहले का वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। वो भी मांझा काफ़ी अच्छा लड़ा, अभी मैंने कल ही उससे लड़ाया था, सैटरडे वाले दिन मैंने लड़ाया है उस मांझे से, और काफ़ी अच्छे पेज मैंने काटे हैं, हवा भी काफ़ी अच्छी थी तो पेज भी काफ़ी अच्छे काटे मैंने उससे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उस मांझे का, रखते ही रखने से और ज़्यादा शार्पनेस उसकी बढ़ती जा रही है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है वो। 8400 पर अगर आप चाहते हैं तो राशिद भाई का 8400 वाला जो मैंने रिव्यू बनाया हुआ है मांझे का, वो रिव्यू आप देख सकते हैं और वो मांझा आप परचेज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा मांझा है। बाकी अगर फोर कॉर्ड की बात करें तो फोर कॉर्ड में आपका पाशा खान भी आता है, जो तला जी का मांझा है, आप वो भी मंगा सकते हैं। उनका 12 रील का 1350 रुपये विद कुरियर दे रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा प्राइस दे रहे हैं, तो उनका मांझा खैर अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं मंगाने वाला हूँ उनका मांझा भी। आई होप आपको मेरी डिटेल्स पसंद आई होंगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आगे मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ मांझे के ऊपर, पतंग के ऊपर, लखनऊ की पतंग के ऊपर स्पेशल मेरा एक वीडियो आने वाला है। अभी फ़िलहाल मैं रिवील नहीं करूँगा कि मैंने वो पतंगें किन से ली हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू।